हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, खाना पीना मैंने बना दिया, मतलब एकदम से फ्री हो गई हूँ तब जा रही हूँ। क्योंकि कल जब मैं गई थी ना दुरैया खाने, तो खाना बना के नहीं गई थी। दोपहर को आई तो बच्चे आ गए थे मेरे आने से पहले, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मम्मी खाना वाना बना के जाया करिए। तो मैं आज सोच रही थी भले मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, बट खाना बना के जाऊंगी, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब बच्चे ऐसे खींचते हैं तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो काम है, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं ना, वो हमें हमेशा परफेक्ट निभानी चाहिए। क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखेंगे, जैसे हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे बच्चे हमें देखेंगे, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े होंगे तो वैसे ही निभाएंगे। क्योंकि बच्चे देख के हमेशा चलते हैं, हम उसे उन्हें कितना भी कहेंगे कि भाई बेटा ये करो ये करो, कुछ नहीं करेंगे, जो वो देखेंगे वही करेंगे। इसलिए कुछ खास एक अपनी भी हैबिट रखनी चाहिए जिससे बच्चे सीखें कि हाँ, कितना भी काम होता था, कितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मम्मी अपनी जिम्मेदारियां हमेशा निभाती थी, या कोई भी घर का हो, तो इससे ना बच्चे कुछ सीखते हैं। तो अपने जितना भी फर्ज हो ना, उसमें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, कोई शिकायत का मौका ना दे हमें। फिलहाल चलिए वहीं चलती हूँ, ज़्यादा लेक्चर नहीं देती हूँ, बने रहिए आप सब, ठीक है? देखिए आ गई हूँ, आज कुछ न्यू चीज़ आप लोग देखोगे, मतलब जहाँ मैं आई हूँ। कहते तो इसको भी दुरैया ही हैं, लेकिन कुछ अलग है जो आप लोगों ने अभी तक शायद ना देखा हो, ना मैंने भी देखा है। तो हम सभी महिलाएं रंग लगा रही महावर, और इधर पूजा हो गई है। देखिए कुछ ऐसा ये नियम है, मैं फर्स्ट बार ये देख रही हूँ, मतलब पूड़ी हलवा जो कन्याएं खाया करती थी ना नवरात्रि में, ऐसा कुछ अब हम महिलाएं भी खाने लगी हैं। और इन्हें कहते क्या हैं, संकटा माता। सभी को परोस दिया गया है सबके सामने, और अभी संकटा माता का गाना सब महिलाएं हम मिलके गाएंगे, तो आप सब सुनिए। फाइनली हम सब गाना वाना गाने के बाद प्रणाम कर लिया, और इनको भी प्रसाद चढ़ा दिया। फिर सब लोग खा चुके हैं, यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, अब बस घर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स वहाँ से आ गई हूँ, चलिए अब यहाँ जा रही हूँ चाय बनाने। वैसे वहाँ पूड़ियाँ वगैरह खाई हूँ ना, तो लग नहीं रहा कि चाय पीऊँ, मन नहीं मतलब हो रहा अंदर से, लेकिन पहली बार ये सारा कुछ मैं खाई हूँ, पूड़ी हलवा नहीं, ये तो कभी दुरैया में होता ही नहीं था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, न्यू न्यू नियम लोग चला रहे हैं तो हर चीज़ फॉलो करना चाहिए। फिलहाल चलिए, कोई घर में नहीं है, चाय बना लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर बच्चों के लिए कुछ खाना बनाऊँ। आप सब बने रहेगा, कंटिन्यू ब्लॉग अभी जारी रहेगा, ठीक है? चलिए फिर थोड़ा सा मैंने चाय वाय पी लिया है, कटहल काट ली हूँ। कटहल में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हल्का पीला पीला सा लग रहा है, मुझे लगता है पका हुआ है। वैसे परसों आया था, परसों से मैंने रखा हुआ है, शायद घर में ही कुछ हो गया हो, मतलब एक दो दिन में गल जाता है, तो कुछ मिठास सी लग रही है, लेकिन मैंने अच्छे से इसे तल लिया है। और कटहल की सब्ज़ी वैसे हम सभी की फेवरेट है, तो मैं सोच रही हूँ मसाले मिर्ची वगैरह डाल के अच्छे से बनाती हूँ, अगर मीठा भी रहेगा फिर भी स्वाद आ ही जाएगा। और आज टमाटर बैन है, बोल रहे हैं आज कटहल में टमाटर न डालना, ये तुम्हारी आदत हो गई है, हर सब्ज़ी में तुम टमाटर क्यों डाल देती हो? और पता नहीं मेरी आदत है, मैं चने की सब्ज़ी में भी टमाटर डाल देती हूँ, मतलब कोई भी सब्जी हो टमाटर के बिना बनाती ही नहीं। तो आज मुझे डांट लग गई है इनकी तरफ से, तो आज टमाटर नहीं डालूंगी। सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं गरम वाले, मतलब सारे मसाले जितने भी गरम मसाले होते हैं सिलबट्टे में, अच्छे से पीस ली हूँ, और मसाले भी अच्छे से भून ली हूँ। अब इसको अच्छे से मिला के फिर नमक डाल दूँगी। कटहल की सब्ज़ी में मेन फ्रेंड्स मसाले ही होते हैं, जितने ज़्यादा गरम मसाले आप डालोगे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है,
तो देखती हूँ मिठास है कि नहीं, क्योंकि मीठा मीठा सा मुझे लग रहा था ये कटहल, लेकिन मैं सोच रही थी वेस्ट हो जाएगा तो बना ही डालती हूँ। सब लोग खाएंगे तो बताएंगे कि कैसा है। फिलहाल मैंने वहाँ हलवा पूड़ी खाई है ना, तो मुझे तो भूख बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ सब लोग कह भी रहे थी कि एक भी छोड़ना नहीं है, पूरा खा के ही जाना है, तो टाइम भी लग गया था खाते खाते। तो ये रोटियाँ सेक दूँ, चावल नहीं बनाऊँगी आज, और इसके बाद फिर आराम करूँगी। सीधे आराम करने के बाद ही और कोई काम करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों थकी थकी सी लग रही हूँ मैं खुद को। इन सबको मैंने खिला दिया, बच्चों को भी हस्बैंड को भी, ये सब आ गए हैं और बोल रहे थे सब्जी बहुत अच्छी बनी है। जब मैं सोचा करती हूँ ना कि गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है सब्जी, उस दिन ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अभी तक मैंने नहीं खाया है, ये लोग खा चुके हैं। सिवे यहाँ कापी किताब लेके बैठा था, तो यहाँ से सामान हटा देती हूँ, चटाई हटा देती हूँ। फिर सोच रही हूँ जाऊँ एक घंटे कम से कम रिलैक्स होके लेट जाऊँ, नींद पड़े या ना पड़े पर बॉडी को थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाएगा, है ना। तो बस अभी तक मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला। दो चार रील बनाने लगी इंस्टाग्राम में भी, आप सब मुझे जाके फॉलो करो, साधना द्विवेदी 46 मेरी इंस्टा आईडी है, तो वहाँ भी जाके सपोर्ट करो। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में हम वर्क कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तो वहाँ से बेनिफिट भी हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे यूट्यूब से हमें अर्निंग होती है वैसे ही इंस्टाग्राम से भी होती है। तो जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं वो हर जगह चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अर्निंग हो। बहुत बड़े लोग जो हैं, मतलब यूट्यूबर हों या इंस्टाग्राम के बहुत बड़े फॉलोअर्स हों, उनको तो बहुत ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन मैं तो अभी जस्ट शुरुआत में हूँ। तो आप सब प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाके सपोर्ट करिए मुझे, साधना द्विवेदी 46 मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है। देखिए यहाँ सारे कपड़े उठा के रख दूँ, क्योंकि काम जब हमें ही करना है तो लगता है क्या क्या करूँ। और हाँ, जितनी फ्रेंड्स मेरी हैं जो मुझे कहती साधना दी आप हमारे सपोर्ट में नहीं आती हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी सी वीक चल रही हूँ, तो आप सब प्लीज़ थोड़ा वेट करिए, फिर आऊँगी, ठीक है। चलिए सारे कपड़े वपड़े मैंने समेट लिए हैं, जा रही हूँ अब कपड़े चेंज करूँगी और झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा काम करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बच्चे आए, उनको मैंने खाना दिया, कटहल की सब्जी रोटी खिलाया, फिर थोड़ा सा सो गई थी। सोने के बाद उठी तो फिर कपड़े वैसे पड़े थे, घर का काम वैसे पड़ा था, तो अब मतलब पड़ा है, अभी भी पड़ा था नहीं पड़ा है, तो अभी भी सारा काम पड़ा ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।